फिलहाल जिसमें हम जाने वाले हैं, इसमें हम कवर करेंगे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी। वो बैम्बो प्रोडक्ट्स है भाई, ये सारे इसमें इतनी ज्यादा बारीकी लगती है भाई। यहाँ पर ये यूनिक मुझे कुछ दिखाई, यूनिक डॉल्स ये देखो भाई, लोग आराम से बैठे है, खा रहे है, सो रहे है, मस्त मजे है भाई। जैसे लेदर में चाहिए, प्योर लेदर में 1200। इसका पूछते हैं ड्रेस का क्या नाम होता है, नाम होता है इस ड्रेस का? घाघरा चोली। हाँ, और कीड़िया। अच्छा, 45,000 का है। अच्छा भाई, आप इधर ना कलाकारी देखो। पंजाब में आए थे, पंजाब थोड़ी देर में पंजाबी तो बोल दो। ओ उड़ा याड़ा पढ़नी बछनी है, पढ़नी मंच लागे निकी ने तेरी मड़ी ते। भाई जवाब नहीं, भाई जवाब नहीं, तमिलनाडु का जवाब नहीं भाई, सबसे ज्यादा बढ़िया यही लगा मुझे अभी तक। भाई दिल्ली की ऐसी चीज दिखाऊंगा आपको, आप कहोगे तो भाई दिल्ली का स्वाद आ गया। सबसे पहले अपना ऑटो, ऑटो का नाम ही भाई अपना दिल्ली, बाकी अपना आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल, वेलकम है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो, ये है पार्ट टू ट्रेड फेयर का। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हो पार्ट वन, और ये है पार्ट टू। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा अलग अलग स्टेट्स के जो स्टॉल टाइप लगे हुए हैं यहाँ पर, देखते क्या क्या चीज़ें हैं उनमें, क्या क्या आपको अलग अलग वेराइटीज की यहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो और भी चीज़ें दिखाऊंगा, ये नहीं सिर्फ स्टेट्स की दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना एंड तक। फिलहाल मैं इस एरिया में आऊँ, यहाँ पर भाई पूरा फूड कोर्ट टाइप लगा हुआ है भाई, इतना भाई इधर लोग खा रहे हैं, क्योंकि भाई एरिया इतना बड़ा बना रखा है। मैं आपको एक बार एरिया दिखा देता हूँ एक बारी में। भाई यहाँ पर भाई सारे आपको अलग अलग वेराइटी के स्टॉल मिल जाएंगे। और ये देखो, हाँ भाई, ये भाई स्कूल के बच्चे भी आ रखे घूमने यार, स्कूल की तरफ से साड़ा पंजाब, भाई पेप्सी ने ज़्यादा स्पॉन्सर कर रखा है शायद। ये देखो भाई, सब आराम से बैठ के खा रहे हैं, आराम से खाओ, फूड कोर्ट देख लो यहाँ पर, ये रहा फूड। ये भाई ये वाले हॉल में अभी हम फिलहाल जा रहे हैं, इसका नाम क्या था, मैंने दूर से देखा नहीं, इसका था H1 था, एग्जीबिशन हॉल H1। तो फिलहाल यहाँ से कुछ इसका व्यू ऐसा आ रहा है, तो अंदर से जाके आपको हम दिखाते हैं कि आप कैसा लग रहा है, कौन कौन से इधर स्ट्रीट्स के स्टॉल्स लगी हुई है। उत्तर प्रदेश यहीं से चालू हो गया? अबे नहीं यार, ये तो फूड कोर्ट है यार, इधर नहीं जाना भाई। फिलहाल ये कुछ ऐसा लग रहा है, देख लो। फिलहाल जिसमें हम जाने वाले हैं, इसमें हम कवर करेंगे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी, माने ऊपर 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 कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश यार मैं भी। हॉल नंबर है आपको 3 मिल जाएगा, बाकी अब यहाँ से एंट्री करते हैं हम, और आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे यहाँ पर है। ये देखो भाई, यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप का आपको एरिया मिल जाएगा, आप अंदर आओगे यहाँ से। भाई लाइटिंग कुछ भाई मस्त है यार, भाई पैसा खर्च किया है ना तो भाई मस्त लग रहा है, कुछ भी कहें भाई ओके लग रहा भाई। भाई पैसा खर्च अच्छे से करा हुआ है, जब भी भाई टिकट भी अच्छी कट रही है। मोदी जी को दिखाओ, मोदी जी ने कराया, किसी गांधी जी है भाई, गांधी जी एंट्री पे गांधी जी मिल गए भाई, वाह भाई वाह। खादी, खादी इंडिया को प्रमोट करने के लिए, और भाई गांधी जी का नाम लिया, गांधी जी ये रे गांधी जी अंदर भाई, इधर इधर लग रखे भाई स्टेट्स के, बढ़िया बढ़िया स्टेट्स के बढ़िया बढ़िया लगे हुए। सबसे पहले आपको कवर कराता हूँ वो स्टेट जो आज है छठ पूजा, छठ पूजा वाले दिन सबसे पहला स्टेट कवर कराता हूँ बिहार, दिखाता हूँ। बिहार का सबसे पहला स्टेट हम कवर करवाते हैं दरभंगा, दरभंगा बिहार का स्टेट है ना, है ना। तो इधर आपको इधर की जो आर्ट है दरभंगा की, वो है कुछ ऐसे टाइप की, ये आपको चीज़ें मिल जाएगी दरभंगा की, ये चीज़ें हैं। ये क्या चीज़ें होगी? सूट है, सूट है, मतलब बाद में जाके सिलवाने होते हैं, मतलब थान का कपड़ा एक तरह से। अच्छा, और ये मतलब दरभंगा स्टेट की, मतलब वो मतलब उधर की कलाकारी है। अच्छा, इनका सही लग रहा है। मैम ये किस मटेरियल से बनता होगा? ये सिक्की है, ये सिक्की बना, सिक्की मटेरियल होता है कोई? अच्छा, ग्रास, ग्रास होती है। ये भी उसी चीज़ से बनी हुई है जो ये बैंगल्स है, सारे सिक्की मटेरियल है दरभंगा का, और ये शायद दरभंगा का ही है। और ये दूसरे स्टेट आया है मधुबनी, मधुबनी का शायद ये फेमस हो सकती है ये आर्ट, तो इसलिए यहाँ पर से मधुबनी में ये है। पूर्णिया, भाई देव का गाँव आ गया, तो पूर्णिया देव है ना, देव अभी रहते हैं। पूर्णिया की ये आर्ट फेमस है ये वाली, और ये कि मतलब बांस की चीज़ों का ज़्यादा उधर यूज़ होता है, जैसे अगर किसी को परचेज करना है ये टूथब्रश, मैंने नेट पे भी देखा था, ये उधर मतलब फेमस है। कितने का मिल जाएगा? 50 रुपीज़ पर पीस।
और क्या ड्यूरेबिलिटी देती है इसकी? पूरा ही 6 महीना साल भर आप जहां तक यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, पूरा इको फ्रेंडली मिल जाएगा? इको फ्रेंडली पूरा होगा। बाहर से उसी की है, उसकी बैम्बो। अच्छा, कवर पास खाली बैम्बो का था। अच्छा अच्छा अच्छा, बस कवर इसका बैम्बो का है, मटेरियल अंदर वो ऐसा नॉर्मल जो होता है। अच्छा, और अगला भागलपुर और बनका। भागलपुर में आपका ये फेमस होगा, हो सकता है, ये क्या चीज़ें है? मतलब हैंडलूम, मतलब ये सारे सूट वगैरह की चीज़ें हैं, धान, वो सॉरी धान कह रहा हूँ, धान के कपड़े हैं, सारे मिक्स होंगे। और मतलब क्या मटेरियल है ये, सिल्क है, क्या चीज़ है? कॉटन में भी है, सिल्क में भी है। पटना पे भी आएंगे पहले इधर से, कर दरभंगा, अरे दरभंगा, हाँ दरभंगा ही रहा। और यहाँ पर दरभंगा में मखाने वगैरह, और भागलपुर फिर से आ गया यार। अब यार हर स्टेट के भाई कंटिन्यूज पे है, पटना में देखते हैं यार पटना में क्या क्या है। भाई पटना में तो यार सूरज, तो पटना का है, छपरा का कहाँ है? चल पहले पटना का कवर करते हैं भाई, पटना में दिखाता हूँ भाई आपको। पटना में भाई एक नंबर की सबसे अलग खेल रहा है भाई पटना, भाई पटना तो अलग ही खेल रहा है। ये बैम्बो, बैम्बो प्रोडक्ट्स है भाई, ये सारे सारे बैम्बो प्रोडक्ट्स है। छेड़ मत यार, देख लीजिए उसे भाई, कितनी बारीकी से बनाए गए होंगे, आप ये देख सकते हो भाई। हम रावण बनाते उसमें इतनी ज़्यादा बारीकी लगती है, और इतनी फिनिशिंग भी नहीं आती। और भाई इसमें भाई बांस है, ये नहीं कोई और मटेरियल हो, भाई बांस है पूरा प्रॉपर। ये देखो भाई अलग ही, चलिए तो फिर भी एक नॉर्मल में आ गया भाई। ये सोच कितना भाई अलग ही चीज़ है भाई, इसमें मेरे को भाई मेहनत ज़्यादा दिख रही है भाई। कुछ भाई पटना वाले तो भाई मेहनत में बहुत आगे है, पर तुम तो छपरा के हो, तुम इतने खुश मत हो। और बाकी भागलपुर में वापस सिल्क पे आ गए हम, और अभी सिल्क पे हमें नहीं जाना, सिल्क हमने कवर कर लिया है। बाकी अब मैं भागलपुर फिर आ गया यार, भागलपुर में क्या सिल्क, सिल्क भाई सत्तू, ओए भागलपुर का सत्तू भाई, बिहार और सत्तू ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ये रहा सत्तू, ये रहा बिहार में सत्तू, हो ना ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मधुबनी, पटना, पटना छपरा का यार तेरा, छपरा देखना हमें कैसा है, छपरा 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 की आर्ट वर्क देखने हैं। चंपारण है, चंपारण में पता ही क्या हुआ था, अभी कौन सी क्लास में, अभी पता लग जाएगा और आगे बढ़ेगा तो, हिस्ट्री पढ़ेगा तो भाई। पटना पटना भाई, छपरा भाई, छपरा भाई हटा दिया क्या तुम्हारा बिहार से? पता नहीं, ढूंढ रहा मैं भी। अबे हटा दिया क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, दिख ही नहीं रहा भाई। पटना पटना भागलपुर तो भाई इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है यहाँ पर स्टॉल्स भाई, कुछ भी कहो। चल भाई छपरा तो दिखा नहीं, हम एंटर करते हैं किसमें, उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार यहाँ पर हमें सामने दिखती हुई। हम अपना एंटर करते हैं यूपी का, भाई यूपी के तो अंदर ना इतनी सिक्योरिटी कर रखी है, यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको भाई, यहाँ का सिक्योरिटी नहीं है बिहार के अंदर, यूपी में सिक्योरिटी अंदर पहले भाई स्कैन हो फिर जाओ। वाह भाई वाह, यहाँ पर आपको यूपी का मैं क्या क्या दिखाऊँ भाई, इतने सारी यहाँ पर आपको जगहें मिल जाएगी, तो क्या क्या दिखाऊंगा मैं तो सोच के पागल हो जाऊंगा। ये क्या है, मूर्तियाँ, अरे वाह भाई कितनी बढ़िया बढ़िया लग रही है, सोने की पीतल की है। सोने की खरीदेगा, मंगाऊ भैया, मंगा दोगे ना वैसे अगर खरीदेगा तो, ला खरीद तू भी मजे ले। कल किसने देखा यार भाई, ये यार यूपी में टॉयलेट कब से बनने लग गए, टॉयलेट बिक रहे हैं यार। और यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यार ये किस, यहाँ क्या खरीदना, मैं यहाँ नहीं चाहिए क्या, अबे ये क्या चीज़ है, ओ एग्जीबिशन, वाह भाई वाह, बढ़िया लग रहा है यार, कुछ भी क्या। योगी सरकार भाई कितना बढ़िया लग रहा है यार, ये देखो ये क्या चीज़ है, आर्ट वर्क से ज़्यादा है ना। अच्छा यहाँ पर सिर्फ एग्जीबिशन है, सेल के लिए अंदर है। ओ भाई यहाँ पर आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भाई सारे मिल जाएगी, कवर करा देता हूँ मैं यहाँ पर। बाकी मतलब ना एक तरह से जितना भी है ना आर्ट वर्क है, आपको अगर ख़रीदना है ना तो आप खरीद सकते हो। जैसे एक ही होती है आर्ट, जैसे इधर से बनाते कलर से या पेपर से जैसे भी। तो भाई फिलहाल ना उत्तर प्रदेश के अंदर ना बहुत ज़्यादा
भाई फैंसी वो दे रखे यार, अलग अलग एग्जीबिशंस, और इधर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे दिखाने के लिए। तो भाई ये मुरादाबाद का वर्क है ये, यहाँ पर अलग अलग जैसे स्टेट के अंदर भी ना अलग अलग जगहों के, यहाँ पर आपको कन्नौज का ये आप अत्र परफ्यूम ज़्यादा फेमस होगा यहाँ पर शायद, और वाराणसी का ये टेक्सटाइल वर्क ज़्यादा फेमस होगा। अच्छा ये बताना था, शॉप नंबर है 60, और बाकी वीडियो में तो आ ही रहा है जैसे जिसको जो देख। 30 नंबर स्टॉल नंबर 38, बाकी वीडियो में देख लो अगर किसी को आना है, स्टॉल नंबर देख लेना, स्टॉल नंबर के हिसाब से होता है यहाँ पर जो भी होता है। ये देख लो भाई मथुरा गाजियाबाद, गाजियाबाद में तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इतना है ना, मैंने वॉच मंगाई थी ऑनलाइन वो भी गाजियाबाद, मिक्सी देखी गाजियाबाद, भाई ऑनलाइन तो भाई इतनी चीज़ें गाजियाबाद ज़्यादा मिलती है। और आपको दिखाऊँ मैं इधर जी बी नगर है, इधर का अगरबत्ती वर्क ज़्यादा दिख रहा है, और बागपत, अबे हाँ बागपत में क्या मिल रहा है, बागपत में ब्लैंकेट चद्दर वगैरह ये सब है बागपत की, ये फेमस है। ये देखिए डबल बेड में भैया ये, हाँ जी डबल बेड, क्या प्राइस होगा? 650 रुपए डबल, और मटेरियल क्या होगा? कॉटन। सही है भाई सही है, रेट तो सही लगा मुझे, कारपेट टाइप, और ये कारपेट है बदोही, बदोही के कारपेट्स होंगे। ये देखो भाई कारपेट्स देखो आप, और क्या क्या देखना है यार, ऐसे तो हम घूमते रहेंगे। ये देखो भाई यहाँ पर ये यूनिक मुझे कुछ दिखाई, यूनिक डॉल्स, इंडियन डॉल मेकर्स। ये देखो भाई पास से कुछ है ऐसे, और ये रियल डॉल्स है जो होती है ना इंडियन ट्रेडिशनल। ये देखो भाई, ये देखो, और जो मटेरियल तो पता नहीं मुझे क्या चीज़ का मटेरियल है, और हाथ वगैरह है, और ये मिट्टी के हाथ है, मिट्टी के है। सही है भाई। अंकल जी क्या प्राइस मिल जाएंगे डॉल्स के? किस मटेरियल से बने होते हैं कुछ बताओगे आप? जूट और लकड़ी मिक्स है। जैसे तो चेहरा बना हुआ है ये मिट्टी का है या मतलब उसका है मेटल का है? नहीं पेपर मिक्स है। अच्छा, और ये क्या प्राइस के मिल जाएंगे? 1000 रुपये का कोई भी ले लो। सही है। और भाई यहाँ पर कुछ ये बच्चों की चीज़ें आइटम्स ये सब मिल जाएंगे, प्राइस पूछ के बता देता हूँ ये मैं क्या प्राइस मिल जाएंगे बाकी ये। जैसे मैम एक बार प्राइस बताएंगे इसका क्या प्राइस है, प्राइस मिल जाएंगे एक बार कुछ बताओगे आप? 150 वाला कौन सा होगा इसमें? ये 150, और जैसे ये वाला अच्छा लग रहा था ये कितने का मिल जाएगा? 500 के मिल जाएंगे भाई। इधर ना सारे मिक्स हैं, हैंडी क्राफ्ट चीज़ें है, जूट मेकर है, और मतलब ना सारे मतलब जो होते हैं ना आर्टिस्ट चीज़ें वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आर्टिस्ट वाली चीज़ें। ये आपको मिट्टी से बनी हुई चीज़ें जितनी भी है ना, टेराकोटा है। अच्छा, पहले बहुत यूज़ होता था टेराकोटा, एशियन टाइम में टेराकोटा की बहुत चीज़ें चलती थी, जैसे हरप्पा मोहनजोदड़ो इन जगह टेराकोटा बहुत यूज़ होता था उस टाइम, जैसे टेराकोटा के क्ले, सॉरी टेराकोटा के उस टाइम बहुत छोटे छोटे होते थे खिलौने होते थे, उससे बहुत इंडिकेशन मिलती थी, उस टाइप की यहाँ पर आर्टिफिक चीज़ें मिल जाएगी आपको। और बाकी जूट का तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये सेम वैसे टाइप का है अलग, और परफ्यूम भाई वही है ना, रिपीट हो रही है चीज़ें। मैं आपको सच बताऊँ ना, अब मैं आपको दूसरे स्टेट में ले चलता हूँ। तो भाई यहाँ से कुछ व्यू आ रहा है ऐसा, जो मेन जो मैंने देखा था ना वो ये है, और यहाँ पर पब्लिक देखो आप कैसे आई हुई है, कितनी पब्लिक है आप ये देखना, लोग सामान लेने से ज़्यादा ना घूमने के पर्पज़ से आई है भाई, हम ट्रेड फेयर देखेंगे ये देखेंगे, और भाई सबसे ज़्यादा भीड़ है भाई खाने के स्टॉल्स पर। आगे आपको जूम करके दिखाऊँ ना भाई, पब्लिक ऐसे टूटी पड़ी है भाई, पता नहीं क्या ही मिल गया उन्हें। फिलहाल मैं दूसरे साइड आया हूँ, तो आप इधर से व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है भाई, लोग आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, मस्त मजे है भाई, ऐसी लाइफ होनी चाहिए मस्त। तो आपको अब मैं यहाँ पर कुछ दूसरे स्टेट्स कवर करता हूँ, बिहार और यूपी तो आपका कवर हो चुका है, और बाकी ये सेकेंड फ्लोर पर आए हम, इधर कवर करते हैं, पैटर्न इधर का भी सेम है, बस यहाँ पर मैटिंग नहीं है। सबसे पहले अपना स्टेट कवर करते हैं, आते ही मोदी सरकार गुजरात, यहाँ पर गुजरात में
आप अपने स्टॉल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी स्टॉल नंबर हैं, और एम्ब्रॉयडरी, लेदर वर्क, स्टोन, पेपर आर्ट, सब ए टू जेड आपको चीज़ें बढ़िया बढ़िया मिल जाएगी। जैसे लेदर के यहाँ पर शूज़ मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊँ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले शूज़ लेने कितने तक के मिल जाएंगे? जैसे लेदर में चाहिए, प्योर लेदर में 1250 प्राइस मैंने आपको बता दिया है। आप इधर स्टोन वर्क्स देख सकते हैं, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है स्टोन वर्क्स में। और ये गुजराती आइटम्स होते हैं ना, कहते हैं कि गरबा ये सब पहनते हैं उसमें, तो एक इस ड्रेस का पूछते हैं, ड्रेस का क्या नाम होता है जैसे गरबा में पहनते वाली ड्रेस? लगभग वही है। क्या नाम होता है इस ड्रेस का? जेंट्स का अलग कहलाता है, लेडीज का अलग है। लेडीज का कहलाता है घाघरा चोली, घाघरा चोली हाँ। और केड़िया कहलाता है, केड़िया, केड़िया कला, केड़िया, 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 अच्छा अच्छा अच्छा, गुजरात में वैसे ज्यादा चलता है गुजराती ड्रेस। अच्छा अच्छा, सही है सही है। बाकी क्या प्राइस होता है एक नॉर्मल अगर हम लेना चाहें? 1500 से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा, 45,000 का है। हाथ से बनता 2 महीने। अच्छा भाई, आप इधर ना कलाकारी देखो क्यों इतना महंगा है। ये देखो इसमें एक एक चीज ना भाई बारीकी से ना, ये मंथ्स कितने कितने मंथ्स में लगता है? 2-3 महीने में बनता है। और आप ये देख लो कितने महीने में बनता है, 2-3 महीने में कह रहे हैं तो भाई लग ही रहे, क्योंकि ना भाई बारीकी से काम हुआ हुआ है। आप ये देखो पूरा हाथ का काम। यहाँ पर आपको कुछ ज्वेलरी आइटम्स दिखा देता हूँ गुजरात की। ये गुजरात के सारे कुछ आइटम्स आपको गुजरात के ये मिल जाएंगे। ये तो शायद यार सदर में भी मिल जाते हैं मेरे हिसाब से, शायद ऐसे टाइप की चीज़ें। बाकी मटेरियल जो है इसका वही है, प्लास्टिक वाला मटेरियल है वैसे तो। बाकी ये हो सकता है गुजरात के। इसका क्या प्राइस होगा? 100 रुपये भाई, सही है चीज़ें तो वैसे। बाकी आप यहाँ पर देख लो जो भी आपको अच्छा लगे आप आओ और देखो। बाकी आपको एक बात बताता हूँ, जो आपको मैंने अभी वुडन का वो केस दिखाया ना पीछे टांगने वाला, सदर में 30-30 रुपए के मिल रहे थे, यहाँ पर 100 रुपए का मिल रहा है। और ये कह रहे कि गुजराती आइटम है। हाँ भाई गुजराती आइटम भाई। यहाँ पर कठपुतली मिल जाएगी, कठपुतली कहते हैं ना इसे। अच्छा ये प्रॉपर वर्क करने वाली जो करते हैं, जैसे वर्क करके दिखाओगे अगर आप फ्री हो तो? अच्छा वो किस चीज़ के लिए? अच्छा डेकोरेशन वाली है। अच्छा अच्छा, क्या प्राइस मिल जाएगी किसी को नॉर्मल एक लेनी है तो? जोड़ा आता है 350। 350 का जोड़ा आता है, मतलब दो होते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, लड़का लड़की होते हैं। हाँ हाँ हाँ। बाकी आपको एक कुछ ऐसी यहाँ पर गुजराती चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, गुजराती राजस्थानी, यहाँ पर थोड़ी मिक्स है चीज़ें फिलहाल। यहाँ पर कर्नाटका और ये कौन सा स्टेट है? पंजाब तो है पर इसका नाम समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है यार, दूसरी लैंग्वेज में लिखा है। और ये आपका पंजाब आ गया, पंजाब से एंटर करते हैं और देखते हैं क्या क्या आइटम्स होते हैं पंजाब में। है मतलब पता तो अपने को क्या क्या होते हैं, पर इधर अपने को क्या क्या मिल जाएंगे पंजाब के अंदर। और सबसे पहले अपने को तो पंजाब में लस्सी दिखनी चाहिए यार, वैसे पंजाबी आइटम में कुछ ये दिख रहा है, पर ये पंजाबी आइटम थोड़ी है यार, ये पंजाबी आइटम थोड़ी है, ये तो नॉर्मल चीज़ है पंजाबी खाने पीने वाली चीज़ें। हाँ पंजाबी आइटम जो अपने को दिख रहा है ना ये है पंजाबी आइटम्स, जैसे ड्रेस वगैरह है ये पंजाबी है, और अचार पंजाबी हो सकता है मानते हैं। और दिखाता हूँ मैं बाकी चीज़ और क्या क्या पंजाबी है यहाँ पर चीज़ें, और कुछ तो अभी आपको उस तरफ दिखाता हूँ, पहले ये ट्राई करते फ़ोटो भाई। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ इतना बड़ा हॉल टाइप का आ गया है यहाँ पर यार नीचे ज़्यादा बड़े बड़े स्टेट दिखा रखे थे और ऊपर यार थोड़े छोटे छोटे स्टेट्स दिखा रखे हैं यार, मतलब पंजाब का इतने में ही कवर कर दिया। और बाकी मध्य प्रदेश आपको कवर कराता हूँ जल्दी जल्दी, और बने रहना वीडियो में, सारी चीज़ें आपको कवर होगी हर स्टेट की। और जैसे ग्वालियर होता है ना, यहाँ है आपका ग्वालियर हो गया, झांसी हो गया, पर झांसी शायद आपका उसमें यूपी में पड़ता है शायद। और बाकी हेलो हाउ डिड यू, ये सारे फैशन आइटम्स जितने भी हैं ना आपको खाने पीने के आइटम्स सारे मिल जाएंगे। अब मैं आपको क्या क्या दिखाऊँ, ये कॉफ़ी है देखते रहो भाई, ये तो है ना यार बस घूमने के लिए है, गुजरात का है, कर्नाटक का अपने वहाँ चलते हैं। अब पंजाब में आए थे, पंजाब
थोड़ी देर में पंजाबी तो बोल दो। हाँ हाँ बोलो जरूर। आप बोलो ना। ठीक है, पूछना बसो। मुझे ये पूछना है पंजाब में थोड़े आइटम्स तो बताओ क्या क्या है हमारे यहाँ पर। जिमें पंजाबी कल्चर होंगे पहले चरखे होंगे चरखे। हाँ चरखे ने फुलकारियाँ ने बाकी असं भंगड़े वाले सारे भंगड़े फुल इंजॉय किया सारे ने। एक बार मेरे साथ भंगड़ा करोगे? भंगड़ा मैं तो वैसे गाता हूँ ना। अच्छा गाते हो? हाँ भंगड़े वाले बहुत पसंद करते हैं। हल्का सा डांस अगर करना चाहो तो आप? चलो कोई नहीं, आप वैसे कुछ वैसे बोल के दिखा दो पंजाबी में कोई अच्छा सा डायलॉग या कुछ। बोली बोली हाँ ओ उड़ा याड़ा पढ़नी बछनिए पढ़नी मंच तलागे नी कीने तेरी मड़ी तबीती ओ कीने तेरी मड़ी तबीती काला डोरिया पाके मित्रा पछाण लई तुरदी हलारा खाके मित्रा पछाण लई। ओ बस एक फोटो भाई कर्नाटक है। हाँ वो लिखा है ना कर्नाटका गवर्नमेंट, तो कर्नाटका के अंदर अब चलते हैं देखते हैं यहाँ पर इसकी आर्ट वर्क ज्यादा अच्छी लग रही है। और बेंगलुरु इसका एरिया आ गया बेंगलुरु। बाकी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कर्नाटका में ना स्पाइसेस ज़्यादा फेमस है, स्पाइसेस होते हैं ना कर्नाटका के, तो मैं स्पाइसेस ढूंढ रहा हूँ जो मेन इधर के स्पाइसेस होते हैं ना इधर के वो देखते हैं। ये सारे कर्नाटका आइटम्स हैं, ये सारे कर्नाटका आइटम्स हैं, वहीं से आते हैं। जैसे कुछ आप एक दो चीज़ें दिखाओगे कर्नाटका की जैसे अलग हो हटके जो हमारे दिल्ली में ना मिले। अंकल जी कुछ कर्नाटका की चीज़ें दिखाना जो हटके हो जो हमारे दिल्ली में ना मिले। दिखाना अंकल जी कुछ कुछ कर्नाटका की हटके चीज़ दिखाना जैसे हमारे दिल्ली में ना मिले, जो हमारी दिल्ली में ना मिले वो ऐसी कर्नाटका की चीज़। अच्छा हिंदी नहीं आती थोड़ा कर्नाटका आइटम कुछ स्पेशली कर्नाटका। ये क्या है लट्टू? ओ वाह 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 वा। ये तो बढ़िया है। हाउ मच प्राइस? 100 रुपीज। एंड होलसेल प्राइस अगर किसी को चाहिए तो? होलसेल प्राइस अच्छा अच्छा ओके ओके। भाई ये देखो सारे आइटम आपको मिल जाएंगे यार, आइटम पे आइटम है यहाँ पर। आप देखो ना भाई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, एकदम हट हट के चीज़ें हैं। बाजारों में ये बहुत मुश्किल मिलते हैं। ये देखो मस्त मस्त चीज़ है भाई, एक नंबर कुछ भी कहो। बाकी कर्नाटका से अब निकलते हैं, आपको नेक्स्ट स्टेट कवर कराते हैं। इधर इतने बड़े बड़े हॉल हैं ना आपको क्या बताऊँ ना। आओ ना रिक्शा कर लो, रिक्शे तो होते नहीं अपने एरिए, इधर क्या रिक्शा होगा यार। भाई इसने बड़े बड़े होल है ना, पैदल पैदल थक जाओगे। नागालैंड में क्या है यार, कपड़े ही है नॉर्मल। आपको एक बार बाहर से दिखा देता हूँ, नागालैंड के अंदर आपके नॉर्मल आपके कपड़े मिल जाएंगे ऐसे टाइप के। बाकी कुछ ज़्यादा फैंसी इधर मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। और असम की चाय, असम की चाय है गोवा, गोवा तो देखेंगे भाई। भाई ये क्या क्या है, मूगा सिल्क, काजी नीमू, भाई ये क्या क्या है, जोखा राइस, भाई कैसी कैसी चीजें हैं, अनसुनी चीजें भाई। ये तो भाई नॉर्मल है, ये तो पीछे भी थी, ये किसी भी स्टेट में डाल दे रहे भाई कि भाई गुजरात में भी डाल दिया, वहां पर राजस्थान में भी डाल दिया ये वाला आर्ट वर्क। हाँ चलो देखते हैं आगे क्या क्या दिखता है अपने को। फिलहाल हम गोवा में दिखाते हैं गोवा में क्या क्या है। गोवा के नाम से काजू दिमाग में आता है, काजू देखते हैं कि है या नहीं है इधर। गोवा, गोवा का फेमस आइटम काजू। काजू तो भाई यहाँ फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है यार, ये रे जरूरी थोड़ी है वहीं के। काजू 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 नहीं है। अंडमान एंड निकोबार में देखते हैं क्या क्या है यार। एक बात है नीचे के कुछ ही स्टेट पे जिसके अंदर भाई बारीकी से दिखा रखा है अलग अलग जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार में घुसे ना भाई बस इतने में ख़त्म, भाई है ही नहीं कुछ नीचे। ज़्यादा अच्छे से दिखा रखा था, हर एक एक स्टेट अच्छे से कवर कर रखे थे जितने भी थे ना। बस इसके अंदर आपको आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे कुछ ऐसे टाइप के, वहाँ पर जैसे सी वाली चीज़ें चलती है ना ऐसे,
ये समुद्री चीजें, ये रियल है सारे? हाँ सारे रियल है। शंख भी? शंख भी। ये देखो, ये आपका शायद कौन सी है जगह? तमिलनाडु। भाई कितना बढ़िया लग रहा है यार, एक नंबर। लाइटिंग वाइटिंग पूरी प्रॉपर कर रखी है यार इधर। ये देखो आप भाई कितना बढ़िया लग रहा है यार, तमिलनाडु। भाई जवाब नहीं, भाई जवाब नहीं, तमिलनाडु का जवाब नहीं भाई। सबसे ज़्यादा बढ़िया यही लगा मुझे अभी तक, लाइटिंग वगैरह में इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बढ़िया मुझे यही लगा भाई। तमिलनाडु में हम एंटर करते हैं तो देखते हैं अंदर क्या क्या अपने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री है और देखते ओ भाई यूनिक चीज़ें है भाई। अरे यार मत बोल भाई, कल ही बड़ा दिल दुखा है। और भाई क्या क्या चीज़ें है यार, ये देखो भाई रियल लग रहा है प्रॉपर, एक तरह से ना प्रॉपर रियल लग रहा है। ये देखो भाई, फिलहाल त्रिपुरा का है ये वाला स्टॉल जो है, और इसके अंदर अब मैं भाई ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, आप बस देख लो कौन सा आर्टिफैक्ट है, क्योंकि ना भाई रिपीट हो रहे हैं, मेरे को दिखाने का बार बार मन नहीं है। और ये देखते रहो आप, जो अच्छा लगे आप आ सकते हो। काउंटर नंबर भी मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जितना भी है। आंध्र प्रदेश में एंटर होते हैं हम, आंध्र प्रदेश में देखते हैं क्या है। ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, कहाँ है भाई आंध्र? अच्छा ये रहा आंध्र प्रदेश। अबे इसमें कुछ यार क्या देखे हम, इसमें क्या है देखने का? बैठो सिर्फ। अबे है क्या इसमें देखने का? क्या करो बैठो, कुछ है ही नहीं यार। आंध्र प्रदेश ये देख लो, हमारे नंदी बैल, नंदी महाराज देख लो, बस यही थे देखने के। हिमाचल प्रदेश अपना ये रहा, हिमाचल प्रदेश में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हिमाचल प्रदेश, ओ हिमाचल प्रदेश। और ये कैप ना हो, इस कैप का नाम क्या होता है जो हिमाचली कैप होती है? गुड्डू, कुल्लू नाम है कैप का। और क्या प्राइस मिल जाएगी किसी को चीज़? तो 300 रुपये, 500 रुपये। अच्छा क्वालिटी के ऊपर है, जैसे लोएस्ट सबसे कम से कितने? 300 रुपये की होगी। और मेन चीज़ आपको मैंने दिखा दी जो होती है हिमाचल की, यही फेमस है। बाबा मिले हमको, बाबा हाँ बाबा, आओ देखते हैं। अरे बाबा बस हिमाचल में तो भाई यही था भाई, तो नकली के है बाबा। वेस्ट बंगाल के अंदर यार एक बार बता, आइटम रिपीट नहीं हो रहे? मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार रिपीट हो रहे हैं यार, जैसे आइटम एक ही है बस नाम अलग अलग दे रखे। हाँ यार जैसे ना कुछ चीज़ें हैं जैसे घाघरा चोली, जैसे कुछ ऐसे टाइप की चीज़ें जो अलग है, बाकी ना मुझे तो सेम लग रही है भाई। मैं जहाँ तक सच आपको बताऊँ मुझे तो सेम लग रही है। हाँ भाई ये देखो सब सेम ही है भाई लगभग, हो सकता है इधर ना भी हो सेम। फिलहाल हॉल नंबर एक में आए हैं, लास्ट हम दिल्ली के लिए स्पेशल मैं इधर आया हूँ, नहीं तो भाई मैं निकल रहा था घर। दिल्ली दिखा दूँ मैं आपको, हाँ वो ये तो कनॉट प्लेस बना रखा है और एक नंबर का। ओ भाई यार ये सोचना भाई, फिलहाल आपको मैं दिखा रहा हूँ ये दिल्ली, और ये कनॉट प्लेस टाइप का एरिया बना रखा है, और ये है दिल्ली मेट्रो जो दिखा रखा है इन्होंने लेबल। और यहाँ से आपके सारे जितने भी है, ये देखो रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ये क्या है हिमायू टॉम, इलेक्ट्रिक स्कूटी बिक रही है भाई यहाँ। हॉस्पिटल भी दे दिया लोकनायक हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल। ये तो इसी में, अबे तो तू ये तो मेरा वाला है। ओ तेरी भाई कॉलेज ही कॉलेज, जम्मू कश्मीर। अब अंदर क्या करेगा जम्मू कश्मीर भाई, इसमें कुछ जम्मू कश्मीर तो मुझे पता है, इधर क्या ही मिलेगा, कपड़े ज़्यादा मिलेंगे। और बाकी झारखंड देख लेते लास्ट, झारखंड में क्या क्या है ये देख लो।
सारे यार वही आइटम है यार, नॉर्मल है यार, कोई ऐसा वो तो है नहीं। ये ही है जो इधर उधर से आते थोड़ा जो ये खरीद के बेचते हैं, बाकी तो अपने ये था झारखंड भाई। दिल्ली की ऐसी चीज़ दिखाऊँ आपको, आप कहोगे तो भाई दिल्ली का स्वाद आ गया। बताओ कैसे, देखो सबसे पहले अपना ऑटो ऑटो का नाम ही भाई अपना दिल्ली, बाकी अपना आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। तिहाड़ जेल तो नहीं है अभी, क्या है अक्षरधाम। अरे वाह अक्षरधाम भाई, कितना बढ़िया लग रहा है यार, एक नंबर। फिलहाल हॉल से बाहर आ चुके हैं, हॉल नंबर 1 से भी, और इधर भाई बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी जो थी हॉल नंबर 1 में, ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी जैसे दिल्ली कर्नाटका और आपका राइट साइड है, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं नाम भूल गया अभी स्टेट की और कौन से। तो भाई अब चलते हैं घर, गेट देख रहे हैं फिलहाल की कौन सा एग्जिट गेट है भाई, इतना बड़ा है भाई पैर दर्द हो गए चल चल के, क्या ही करे भाई। और भाई एक चीज़ बताऊँ मैं इधर आपको, जो मैंने नोटिस की है इधर भाई लोग खरीदने कम घूमने जा रहा है, अरे बस देखना है भाई क्या है ट्रेड फेयर ये है वो है, बस ये याद है बस। फिलहाल भाई एग्जिट करते हैं, सीधा सीधा आपको निकलना है जो आपका H14 है ना, इसके नीचे से सीधा आपका एग्जिट का गेट मिल जाएगा। इधर क्या है H14 H1 ऐसे करके आपको जो भी है हॉल के ऊपर आपको मिल जाएगा, इससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि हमें कहाँ से आना है कहाँ से जाना है। तो भाई 10 नंबर गेट से आप जैसे ही बाहर निकलोगे ना, तो 10 नंबर गेट पर, हाँ तो 10 नंबर गेट मेट्रो स्टेशन के लिए आप निकलोगे तो आपको इधर से आना पड़ेगा, जो आपके जो मेन वाला है ना इसके आपको है ना कोई कहीं भी पूछ लेना कि हमें बता दो मेट्रो के लिए, तो बोलेंगे भाई कोने कोने निकल जाओ, बस ये बोलेंगे इधर से कोने कोने निकल जाओ, किसी से पूछोगे ये लेना है। हॉल नंबर भी मैंने आपको दिखाया था, बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए भी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।